हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के चैप्टर का एक बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इसके साथ साथ हम दो टॉपिक और पढ़ेंगे, एक रोटेशन ऑफ एक्सिस और एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विद रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और इन पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ। तो ध्यान देते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? कह रहा है कि मान लो आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने सुना होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। समझ आ गई बात? अब ये था स्टैंडर्ड जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो अगर इसके ऊपर कोई एक मान लो पी पॉइंट है, या ये जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई है। क्या है? एक्स कॉमा वाई है। तो इसका मतलब क्या होता था बेटा? इसका मतलब ये होता था, पी कॉमा एक्स कॉमा वाई का मतलब कि ओरिजिन से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और इस पॉइंट का जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है वो ओरिजिन से वाई है। यही मतलब होता था। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या कहता है कि ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दो। ऐसा हो सकता है मैं इस पूरे को उठा के इधर ले आऊं, ऐसा हो सकता है पूरे उठाकर नीचे ले आऊं। तो मैं कोई एक केस ले रहा हूं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। मैंने क्या किया बेटा, ये जो ओरिजिन था इसको उठाकर यहां पर ले गया। जो ओरिजिन असली में यहां था, इस पूरे सिस्टम को उठा के यहां पे ले गया और इसको यहां पुट कर दिया। किस पर? किसी नए कोऑर्डिनेट एच कॉमा के पर। ओरिजिन शिफ्ट हो गया। अब ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो जैसे पी पॉइंट क्या था, इस पी पॉइंट की डेफिनेशन थी इस ओरिजिन के रेफरेंस में। अब इस नए पॉइंट का पॉइंट नया बन जाएगा ना, क्योंकि अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया। ये बात को समझो बेटा, पहले पी पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, उसका मतलब क्या, ओरिजिन से एक्स एक्सिस में डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस में डिस्टेंस वाई। लेकिन अब इस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट ये बनने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने शिफ्ट ही कर दिया, अब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नया बन गया है। तो इस एच कॉमा के हिसाब से इसके नए कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वन कॉमा वाई वन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, बताओ। मान लेते हैं इसके कुछ नए कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन बन जाएंगे। अब ध्यान दो, अगर ये नए कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है तो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स वन। यही डेफिनेशन होती थी, रेफरेंस पॉइंट से एक्स एक्सिस में एक्स वन और रेफरेंस पॉइंट में वाई एक्सिस से वाई वन। अब देखो ये और ये लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि हमने कुछ और रोटेट नहीं किया, सिर्फ शिफ्ट किया है। ठीक है, ओरिजिन को ये डिस्टेंस एच कॉमा के है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से एच कॉमा के है बेटा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एच हो जाएगी, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ के है हमारे पास। ये बात समझ आ गई, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच कॉमा के। अब ओरिजिन से ये डिस्टेंस एक्स था, इतना एच है, इतना एक्स वन है, तो एच प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं होगा, एच प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स वन कितना आ गया बेटा, एक्स माइनस एच, पुराने वाला कोऑर्डिनेट माइनस जितना ओरिजिन शिफ्ट किया है, ये होगा नया कोऑर्डिनेट। सिमिलरली के प्लस वाई वन विल गिव स्मॉल वाई, देन वाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस के, पुराने वाला वाई कोऑर्डिनेट माइनस जितना हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है। तो क्या हम नए कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अब कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर अगर मान लो इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें एच और के नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव अपने आप को पॉजिटिव बना लेगा, अपने आप सेट हो जाएगा, आपको उसके लिए सोचना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? तो इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दिस बिकम दिस। समझो बात को, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा था हमने, तो हमने क्या किया था, किसी एच कॉमा के पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया था तो कुछ नए कोऑर्डिनेट्स मिलते थे। तो हमने रिलेशन पढ़ा था बेटा, एक्स वन क्या थे, न्यू कोऑर्डिनेट्स, लिख देता हूं मैं, न्यू किसके बराबर थे बेटा, वो एक्स, ये था ओल्ड कोऑर्डिनेट्स माइनस जहां पे ओरिजिन शिफ्ट किया था। समझ आ गई? तो न्यू कोऑर्डिनेट अब ये है माइनस थ्री, ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना बेटा, सेवन माइनस एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, टेन। सिमिलरली के लिए क्या था बेटा, वाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस के, ये क्या था बेटा, न्यू न्यू कोऑर्डिनेट, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, तो वाई वन कितना हमारे पास बेटा, एट, वाई कितना हमारे पास, माइनस सिक्स माइनस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस फोर्टीन। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन को ओरिजिन टू बी शिफ्टेड एट किस पर, 10, -14 पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ये पुराने कोऑर्डिनेट नए कोऑर्डिनेट बन पाएंगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? समझ आ गई है तो आसान टॉपिक था, नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन दिस विल नॉट कंटेन टर्म इन वाई एंड द कॉन्स्टेंट। मतलब कह रहा है कि ओरिजिन को ऐसी जगह शिफ्ट करो कि जो नई इक्वेशन इसकी बनकर आएगी उसमें ना तो y होना चाहिए और ना ही कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। देखो बेटा मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल की कुछ इक्वेशन होगी। अब मैंने ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दिया तो क्या सर्कल की इक्वेशन नई नहीं बनेगी? बिल्कुल नई वाली बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो x और y की इक्वेशन थी वो इसके रेफरेंस में थी, अब इसके रेफरेंस में होगी। समझ आ गई बात? अब ध्यान दो, मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट क्या कर दिया बेटा, एच कॉमा के बना दिया, तो जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा बेटा, न्यू कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस h, तो ओल्ड कितना आ गया, x1 प्लस h, हाँ या ना। सिमिलरली ओल्ड y कितना आ जाएगा बेटा, y1 प्लस k। समझ आ गई बात? तो हमें जो इक्वेशन चाहिए वो न्यू x और न्यू y में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड x और ओल्ड y को यहां से गायब करना पड़ेगा। तो क्या करूं, ये ओल्ड x और ओल्ड y की वैल्यू यहां पुट कर दूं? बिल्कुल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा y1 प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस k प्लस 8 टाइम्स कितना बेटा, x1 प्लस h एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करिए कितना आ रहा है, ध्यान देते हैं, ये आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 y1 k प्लस 4 y1 प्लस 4 k प्लस 8 x1 प्लस 8 h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? तो इसको और सुंदर करके लिख लेते हैं एक बारी, y1 स्क्वायर प्लस, और कहाँ है हमारे पास, x1 का स्क्वायर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास बेटा x1 आ जाएगा और y1 में क्या क्या आ जाएगा, 2k प्लस 4, y1 में आ जाएगा 2k प्लस 4, एक x1 भी है हमारे पास 8x1 प्लस कांस्टेंट क्या क्या है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h, इसको हटा देता हूं, प्लस 8h माइनस 2, ये कांस्टेंट आ गया। तो इसने बोला है कि कांस्टेंट टर्म विल नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म इन y एंड द कांस्टेंट। समझ आ गई बात? अब देखो बेटा y का कोऑर्डिनेट एक तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 2k प्लस 4 को तो 0 होना पड़ेगा, सिमिलरली कांस्टेंट को भी 0 होना पड़ेगा, यही तो बोल रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा बेटा, h और k मिल जाएंगे, वहीं पे ओरिजिन शिफ्ट करना है। तो यहां से तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या, माइनस 2 पुट कर देते हैं, कितना 4 माइनस 8, 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा कितना आ गया, माइनस 10 माइनस 6, तो 8h इज इक्वल टू 6, तो h की वैल्यू आ गई 3/4। तो इसका मतलब मुझे ओरिजिन को कहां शिफ्ट करना पड़े कि जो नई इक्वेशन आएगी उसमें ना तो y होगा और ना ही कांस्टेंट होगा। समझ आ गई? तो हमारे पास ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा 3/4, -2 पर। समझ आ गई ये बात? कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था, हाँ या ना, ठीक है। इतना समझ आ गया तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, रोटेशन ऑफ एक्सिस, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया आपके पास, ये वाई हो गया, तो इस प्लेन में बैठा हुआ एक पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, ठीक है बेटा। तो अब मैंने क्या किया, इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, रोटेट क्लॉकवाइज भी, फर्क नहीं पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या लेना होता है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में एंगल क्या लेना होता है, नेगेटिव, बस। तो एक सॉल्व कर लेते हैं, बाद में एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव बना देना। अब मान लो आपने इसको थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, क्या ये बात समझ आ गई, थीटा डिग्री रोटेट कर दिया। अब ध्यान देंगे बेटा, अब ऐसा रोटेट करने के बाद इस पी के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे बेटा,
एक्स वन और वाई वन। क्या ये बात समझ आ गई? किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वन वाई वन इसके रिस्पेक्ट में, और एक्स और वाई किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम क्या जानते हैं बेटा, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, डेफिनेशन यही होती है एक्स कॉमा वाई पॉइंट की, ओरिजिन से एक्स का पॉइंट परपेंडिकुलर डालो तो ये जो लेंथ आती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझको ये लेंथ कितनी मिलेगी बेटा, एक्स वन, ये लेंथ मिलेगी एक्स वन, और कौन सी लेंथ मिलेगी मुझको वाई वन बताओ, ये वाली लेंथ मिलेगी मुझको वाई वन। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा कि नहीं? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर है, सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये एंगल कितना रहा होगा, थीटा। ठीक बात है, नाम दे देते हैं इसको, Q बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं, इसको O बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है अब, एक्स वन और वाई वन ही तो निकालना है, बाकी सब तो हमको पता ही है। अब ध्यान देते हैं बेटा, ध्यान दो, इस ट्रेंगल में बात करो, ट्रेंगल ओ क्यू आर या क्यू आर ओ जो मर्जी बोल लो, ट्रेंगल ओ आर क्यू, इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल गिव टेन थीटा, क्यू आर अपॉन एक्स कितना हो गया, टेन थीटा, तो क्यू आर कितना हो गया बेटा, एक्स टेन थीटा, क्यू आर कितना हो गया, एक्स टेन थीटा, तो ये लेंथ आ गई हमारे पास एक्स टेन थीटा, हाँ या ना। सिमिलरली ओ क्यू कितना आ जाएगा, ओ क्यू ये आ जाएगा एक्स सीकेंट थीटा, सिमिलरली ओ क्यू कितना आ जाएगा, एक्स सीकेंट थीटा, ये लेंथ आ गई आपके पास एक्स सीकेंट थीटा। यहां तक समझ आ गई है बात की नहीं? आ गई, आ गई। अब ध्यान दो बेटा, मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू में अगर ध्यान दे बेटा, पी एस क्यू में अगर ध्यान दें तो ये थीटा है, ये 90 है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई दिक्कत आपको है तो बता दो, नहीं होगी। तो ये जो पी क्यू लेंथ है वो कितनी होगी बेटा, पी क्यू ये पूरा वाई था, पूरा वाई था, क्यू आर कितना है, ध्यान देंगे ध्यान बेटा, पी क्यू लेंथ कितनी होगी पहले ये बता दो बस, पी क्यू लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी थी पूरी, वाई, वाई माइनस क्यू आर, और क्यू आर कितना बेटा, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, वाई माइनस एक्स टेन थीटा। अगर मैं यहां देखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, क्यू एस, इस ट्रायंगल में अगर मैं लू साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना बेटा, क्यू एस अपॉन, ये हाइपोटेन्यूज आ गया पी क्यू, तो क्यू एस कितना है। अब क्यू एस है कितना, ये पूरा x1 था, ये x secant थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस x secant थीटा, x1 माइनस x secant थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, PQ कितना है बेटा, y माइनस x tan थीटा। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? और ये कितना है हमारे पास, sin थीटा। तो मुझे निकालना क्या है, x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा y sin थीटा माइनस x tan थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस x secant थीटा, secant थीटा x अपॉन cos थीटा। ये कितना आ गया आपके पास बेटा, नया x1 कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो कितना आ जाएगा, y sin थीटा माइनस कॉमन ले लिया बेटा, या नहीं लिया चलो, x by cos थीटा कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये x1 आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो हमारे पास x1 कितना आ गया, x1 आ गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ध्यान देंगे यहां पे थीटा क्या था, जिससे रोटेट किया है, x और y क्या थे, पुराने कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली बेटा क्या अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लें, बिल्कुल। तो इस ट्रायंगल में देखोगे ये y1 निकालना है,
तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सेम है, वाई माइनस एक्स टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वाई वन कितना आ गया, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कितना बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास न्यू वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये बात को समझो, तो नए कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन कितने आ गए, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं बेटा, एक्स वन आ गया एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, और y1 कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये हमारे नए कोऑर्डिनेट निकल कर आए हैं x1 और y1। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, ठीक है। तो आप इसको पहले फटाफट नोट कर लो, फिर मैं एक टेबल बनवाऊंगा बेटा, उस टेबल में क्या होगा, आप ये फटाफट लिखना सीख लेंगे, पुराने कोऑर्डिनेट से नए कोऑर्डिनेट, नए कोऑर्डिनेट से पुराने कोऑर्डिनेट। फटाफट पहले आप इसको बना लो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिखो, उसके बाद मैं एक टेबल बना रहा हूं, वो आपको नोट करना है, ठीक है। तो चलो बेटा मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, बेटा देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x y, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। समझो बात को, अगर आपको x1 निकालना है, x1 तो क्या करोगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। अगर आपको निकालना है y1 तो वो क्या होगा, x माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, बन गया कि नहीं। अभी क्या था, पुराने कोऑर्डिनेट पता थे और एंगल पता था तो नए कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अगर नए कोऑर्डिनेट पता है और एंगल पता है तो पुराने कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x कैसे निकलेगा, मैं लिख के दिखा रहा हूं x कैसे निकलेगा। x के नीचे वाला कॉलम उठाना है तो क्या होगा, एक्स वन कॉस थीटा माइनस वाई वन साइन थीटा। अब हमें पुराना वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या होगा, इसके नीचे वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, कॉलम लेंगे तो क्या होगा, एक्स वन साइन थीटा प्लस वाई वन कॉस थीटा। तो अगर पुराने कोऑर्डिनेट पता है तो नए निकाल सकते हैं, नए कोऑर्डिनेट पता है तो पुराने हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। बच्चों इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से नोट कर लो इसको, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द कर्व रेफर टू अ गिवन सिस्टम ऑफ एक्सिस इज दिस, फाइंड इट्स इक्वेशन इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाय 4। तो बेटा क्या कह रहा है कि पुराने सिस्टम में इक्वेशन गिवन है, 45 डिग्री रोटेट करने के बाद जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन निकालना आना चाहिए। तो कैसे, एक टेबल बनवाया था मैंने, ये नए कोऑर्डिनेट्स थे और ये क्या थे बेटा, पुराने कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ क्या होता था, कॉस थीटा कॉस 45 कितना, 1 बाय रूट टू, साइन 45 इज 1 बाय रूट टू, कितना बेटा माइनस 1 बाय रूट टू एंड 1 बाय रूट टू। तो यहाँ से अगर आप देखोगे पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम नए के टर्म्स में कैसे निकलेगा, एक्स वन एक्स डैश बाय रूट टू माइनस वाई डैश बाय रूट टू, तो कितना एक्स डैश माइनस वाई डैश बाय रूट टू। सिमिलरली वाई कैसे निकलेगा बेटा, एक्स डैश बाय रूट टू प्लस वाई डैश बाय रूट टू, तो एक्स डैश प्लस वाई डैश बाय रूट टू। ये x और y के नए कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, इनको यहाँ पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है ना बेटा, नीचे 2 अपने आप लिख देता हूँ, रूट टू का स्क्वायर तो 2 ही होता है, प्लस में 2 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश बाय रूट टू इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश बाय रूट टू प्लस 3 टाइम्स एक्स डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 10। कोई दिक्कत, तो 3 बाय 2 यहां से मिला, 3 बाय 2 यहां से, 3 बाय 2 तो ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या आएगा x डैश माइनस y डैश का होल स्क्वायर प्लस में x डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 से 2 कट गए, ऊपर बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 10। कोई दिक्कत, अब ध्यान दो,
यहां से क्या मिलेगा माइनस टू एक्स डैश वाई डैश, यहां से मिलेगा प्लस टू एक्स डैश वाई डैश, वो कट जाएंगे तो बचेगा क्या एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो टू टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर मिलने वाला है। तो याद आएगा थ्री बाय टू इंटू टू टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू टेन। तो बेटा ध्यान दो, टू से टू कट गया तो थ्री एक्स डैश स्क्वायर प्लस वन फोर एक्स डैश स्क्वायर, और थ्री टाइम्स माइनस वन प्लस टू टाइम्स वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वट टेन। अब क्या करो बेटा, टू से डिवाइड कर दूंगा तो इक्वेशन फाइनल क्या बन जाएगी टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। तो ये वो इक्वेशन है जो कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनेगी आफ्टर रोटेटिंग 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिन। समझ आ गई ये बात, है ना? तो मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसका तो वैल्यू पुट करनी है भाई, कैलकुलेशन है सिंपल, ठीक है? नोट करो। अब आखिरी करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस एक साथ, क्वेश्चन नहीं करेंगे उस पर, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चलो देखो बेटा लास्ट टॉपिक, है जिसमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस दोनों हो रहा है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक्स और वाई होता था, तो इसने कहा कि पहले मैंने एक पी पॉइंट भी है इसमें एक्स कॉमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर कोई बोले कि मैंने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये तो हो जाएगा सिर्फ रोटेशन ऑफ एक्सिस, लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस ओरिजिन को शिफ्ट भी कर दिया, इसके साथ साथ मैंने अपने ओरिजिन को शिफ्ट भी कर दिया है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये नया सिस्टम x डैश हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y डैश हो जाएगा, ये ओरिजिन की जगह अब क्या हो जाएगा o डैश हो जाएगा, ये थीटा क्या रहेगा सेम। तो अब पुराने वाले एक्स वाई का नए एक्स वाई से क्या सिस्टम होगा, क्या रिलेशन होगा, वो देख लेते हैं। तो ध्यान देते हैं बेटा, अगर आपको टेबल याद हो, सिर्फ रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं पहले, ये x ये y, ये x डैश ये y डैश, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, सही बात है? तो हमारे पास बेटा x कितना आता था x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, y कितना आ गया हमारे पास x डैश sin थीटा प्लस में y डैश cos थीटा। लेकिन ये बात यहां पे खत्म नहीं होती, लेकिन यहां पर ओरिजिन भी शिफ्ट हो रहा है, कितना ये शिफ्ट हो रहा है मान लो h कॉमा k कोऑर्डिनेट्स, कितना h कॉमा k। तो हम क्या जानते हैं जब ओरिजिन शिफ्ट होता था तो नए वाले में h ऐड हो जाएगा और y वाले में k ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा रिलेशन निकल गया नए कोऑर्डिनेट सिस्टम और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ आ गई? जब चेंज ऑफ ओरिजिन होता था तो सिर्फ x डैश प्लस h आता था, इसमें क्या है थीटा भी आ गया क्योंकि एक्सिस रोटेट हुए हैं। समझ आ गई ये बात? आ गई है तो नोट कर लो बेटा, यहीं पे सम अप करते हैं इस लेक्चर को। आप इस लेक्चर को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बच्चों, थैंक यू।